दिल्ली में एमसीडी के कामों पर आए दिन सवाल खड़े होते रहते हैं, लेकिन शायद किसी ने यह नहीं सोचा कि एमसीडी अपने काम को सही तरीके से क्यों नहीं कर पाती। हम आपको उसके पीछे की सच्चाई बताते हैं। दरअसल एमसीडी में नई भर्तियां पूरी तरीके से बंद है। जो लोग पहले से काम कर रहे हैं वे धीरे धीरे रिटायर होते जा रहे हैं। आलम यह हो चुका है कि अब विभाग के पास काम करने के लिए मैन पावर की कमी इतनी हो चुकी है कि पार्षदों को डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि सफाई कर्मी इतने कम हो जाए कि उन्हें खुद इलाके की सफाई करनी पड़े। दिल्ली के आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद अजय शर्मा ने खुलकर बोला कि एमसीडी में कर्मचारियों की रिटायरमेंट बहुत ज्यादा है और भर्तियां बिल्कुल भी नहीं, जिसकी वजह से एमसीडी काम नहीं कर पाती। उन्होंने तो यहां तक कह डाला कि ऐसी एमसीडी को भंग कर देना चाहिए। 2019 में हमारे अधिकतर 90% कर्मचारी और रिटायर हो जाएंगे। पहले कर्मचारी यहाँ पर 600-600 होते थे, आज 60-70 रह गए हैं और हर चौथे पांचवें दिन एक कर्मचारी रिटायर हो रहा है और भर्ती नहीं करी जा रही कर्मचारियों की। कच्चे कर्मचारी, गिने चुने कर्मचारी है, उन पे एरिया टिका हुआ है हमारा। और ये 2019 खत्म होते होते हमारा एरिया का बहुत बुरा हाल हो जाएगा, बहुत बुरी दशा हो जाएगी, क्योंकि भर्ती बीजेपी बिल्कुल नहीं कर रही। आज पूरा सिविल लाइन जोन की कंडीशन ये है कि सिविल लाइन जोन में कर्मचारी नहीं है। हाउस के अंदर भी हमने आवाज उठा ली, जोन में उठा ली, हर बार बोलते हैं कि कर्मचारी दो, कर्मचारी दो, तो कर्मचारी भर्ती नहीं हो पा रहे। और स्वच्छ भारत अभियान के नाम पे 2 साल के अंदर बीजेपी शासित केंद्र ने एमसीडी को 2 रुपए भी नहीं दिए। तो मुझे लगता है कि 2019 खत्म होते होते पूरे दिल्ली को कूड़े का ढेर बनने की तो देरी नहीं। आज भी एक कर्मचारी की रिटायरमेंट है और जब कर्मचारी रिटायर होता है, लगभग उसने 38 साल की ड्यूटी एमसीडी के अंदर करी है, 38 साल रिटायर होने के बाद भी 4.5 साल से किसी कर्मचारी को 4.5 रुपए रिटायर होने पे नहीं मिलते। और रिटायर होने के बाद मान लीजिए उन्हें कोई हादसा हो गया, दुर्घटना हो गया, तो जो उनका पैसा होता है पीएफ का, फंड बोनस का, जो भी होता है, वो तक नहीं मिल पाता, उनके उनकी पेंशन तक नहीं मिल पाती। तो आज कंडीशन एमसीडी की ये हो गई है और बहुत बुरी दशा हो गई है एमसीडी की। मैं तो इतना ही कहता हूँ, अगर ऐसे ही चलता रहा तो एमसीडी को भंग कर देना चाहिए, नहीं तो 2019 के अंदर दिल्ली का बेड़ा गड़क हो जाएगा, नाश हो जाएगा और हर जगह कूड़े का ढेर दिखाई देगा। ये एमसीडी हमारे वाड़ीगारा का एरिया है, यहाँ पे पहले एक टाइम तक 300-400 लेबर हमारे पास होती थी, आज पीरियड में कुल मिला के 50-60 लेबर हमारे पास बची है। और जैसे जैसे 2019 खत्म होगा उसमें होते होते कि मुश्किल से 20-25 ही लेबर बचेगी, स्थिति इतनी खराब हो जाएगी कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में पार्षद को खुद ही झाड़ू लेके गलियों की सफाई करनी पड़े। रिटायरमेंट पे यहाँ से खाली हाथ जाते हैं, हमें भी बहुत दुख की भी बात है, जो बंदा अपनी आधी जिंदगी पूरी स्टाफ को देते हैं, एमसीडी में गुजारते हैं, उसको आज के डेट में कुछ भी नहीं मिलता, वो खाली हाथ अपने घर पे जाता है। जो भी छोटा थोड़ा बहुत ये घड़ी वड़ी जो भी होते हैं स्टाफ के लोग आपस में 100-150 मिला के ला के देते हैं, बाकी एमसीडी की तरफ से इन्हें गठन भी नहीं मिलती। ये 2019 आते आते हमारे पास मुश्किल से 20-30 कर्मचारी बचेगा बस।